नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे में। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर में, ZXi में, और अपन आज जा रहे हैं इसमें DRL लाइट फिट करवाएंगे और इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे DRL लाइट फिट होता है और हमारा कितना खर्चा इसमें बैठेगा ये भी आपको दिखाएंगे कि कितना रुपये लग रहा है और क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या खोल के करेंगे, पूरा गाड़ी के सामने का पूरा लाइट वाइट खोल के करेंगे या ऊपर से लगा देंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक कि आप इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलिए अब आगे यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं, आगे का नज़ारा भी लेते हैं कैसा है। अपन तो वैसे भी वीडियोस डालते ही रहते हैं तो हमने सोचा कि एक बार ही क्यों ना अपन यहाँ लेके निकल रहे थे गाड़ी को, तो अपन सोचे कि इसमें DRL लाइट लगवा देते हैं। DRL लाइट में कैसी लगेगी हमारी डिजायर वो हमको भी पता नहीं है। यूट्यूब में और ऐसे मॉडिफाई में करवा के जब हुआ था तब देखा हुआ था मैं, यूट्यूब वीडियोज़ में ही या ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म में मैं देखा था इसको, ऐसे में देखा नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी में फिटिंग करवाने। दोस्तों आपको दिखाएंगे, आप देख के हमको बताना कि ये कैसा लगा आपको भी। हमारे हिसाब से अब हम लगवाने जा रहे हैं तो अपने को तो अच्छा ही लगेगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के अभी और आगे का नज़ारा लेते चलो। आगे अभी हम लोग को और जाना ही है, आगे में कितने आगे पे दुकान है वहीं जा रहे हैं, हमारे दोस्त की है दुकान वो, वहीं जा रहे हैं। वहाँ के बाद अपन देखेंगे कितना रुपये खर्चा बैठा है इसमें, वो आपको भी बताएंगे। बुलडोजर बाबा योगी जी दिखाए, बुलडोजर बाबा को नहीं दिखाया। अरे यार मेन चीज तो दिखाया ही नहीं, बुलडोजर बाबा योगी जी आ चुके हैं। ये सब चीज जो मेन चीज रहते है वो कैमरामैन हमारा दिखाता ही नहीं है। देख लो एसी दिखा रहा है तो कभी कुछ दिखा रहा है, दो लोग एसी को पकड़ लिया और ऊपर का पेड़ पेड़ दिखाते हुए चलते बस। और दिखाना चाहिए बुलडोजर बाबा गए। देखो अभी मैं पीछे में देखा एक लड़की भी डांस कर रही थी ऐसी साइकिल में चलते चलते। अपन कितना देर में पहुंचेंगे, कितना दूर है उसका दुकान? अभी लगेगा आधा घंटा। आधा घंटा इतना ज्यादा? धीरे धीरे जाएंगे ना। धीरे धीरे क्या करेंगे जाके, धीरे ही धीरे जा रहे हैं अपन, स्पीड तो चल नहीं रहे हैं, 60 तो नॉर्मल स्पीड है। इतना भी नहीं चलेंगे तो गाड़ी बुरा मान जाएगी। इतना भी नहीं चलेंगे तो गाड़ी बुरा मान जाएगी। पता लगा ये वैसा कर दिए ना तो हो गया दिक्कत। आपका ये भी लाइट नहीं जल रहा है, बोल दिए तो हो गया तकलीफ। DRL की जगह हम लोग का वो भी बंद कर देंगे दोनों जन बैठ के, मगर फिर भी एक बार अपन भरोसा करके जाएंगे इन लोग के पास। भरोसा पे दुनिया कायम है तो अपन भी एक बार भरोसा करते हैं और जाते हैं, देखते हैं कैसा अच्छा काम रहा था। नेक्स्ट टाइम और भी गाड़ियों का अपन काम करवाएंगे। अपनी टाटा पंच भी है, टाटा पंच का ही मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत DRL लगवा देंगे। तो दोस्तों अब अपने को लग रहा है कि अपन मंजिल में पहुंचने वाले हैं, लगभग आधा घंटा के सफ़र के बाद अपन पहुंच गए हैं जहां पे हमको DRL लाइट लगेगी हमारी गाड़ी की। तो दोस्तों ये जस्ट हमारे राइट में है हमारी दुकान, हम चलते हैं दुकान पर और पता करते हैं। देख लीजिए अब ये दुकान में अपन पता करेंगे कि क्या है, कितना है, कैसा, कितना रुपये लगेगा हमारे इसमें लगाने में, और भी कुछ कुछ मॉडिफाई भी करवाने का सोचेंगे अगर अच्छा अच्छा चीज़ दिखेगा तो। चलिए तो दोस्तों यही लाइट है हमारे गाड़ी के, ये हमारी गाड़ी है और भैया गए हुए हैं, उसको अंदर करेंगे और फिर लगाएंगे। ये यही लाइट हमारे में लगेगा अभी, ये तो ऐसे में देखने में अपने को ऐसा लग रहा है। इसके बाद अपन अपनी गाड़ी में लगेगी तो कैसे लगेगी, अपनी गाड़ी अंदर होगी उसके बाद लगाया जाएगा उसमें। हमारी गाड़ी लग चुकी है इसके जगह पर जहाँ पे लगना चाहिए, अब यहाँ से अब इसका काम होगा और इसके DRL लाइट्स लगेंगे। उसके गंदे भी काफ़ी हो गई है लग रहे हैं, इसको अपन अभी धुलवा देंगे इसको।
ये भी बोनट खोला था भैया ने, मगर इसको ज़्यादा ही गर्म था इस वजह से अभी इसको रोक दिया गया है। तो अभी ये तो इस सिंपल सा लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद इसमें पूरा हमारा वाइट एंड इसमें हमारा डुअल टोन रहेगा। वो डुअल टोन मीन्स कि उसमें वाइट लाइट भी जलेगा उस लाइट में, और अगर हम इंडिकेटर का जलाएंगे तो इंडिकेटर भी हमारे लाइट जलेगी उसमें। दोस्तों गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है, पहले ही बताया मैं, अभी इसको धुलवाएंगे। इसको धुलवाने के बाद उसके बाद आपको इसका लाइट भी जला के दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तब तक के लिए अब इसको गाड़ी वाड़ी खुलती है, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे ये होगा, कैसे कैसे इसको खोल के कैसे कैसे फिटिंग होगी, सब हम आपको दिखाएंगे। तब तक के आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी का इंजन सामने का बोनट गर्म था, इस वजह से हम अपन इसको बाहर ले जाके फिर दोबारा अपन इसमें धोएंगे। तब तक के ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर तो अपन इसमें लाइट फिटिंग करके वो आपको दिखाएंगे। तब तक के दोस्तों आप देखते रहिए और मौज मस्ती करते रहिए। सेट हो गई है हमारी रानी, अभी ऊपर चढ़ेगी और इसको धोया जाएगा, इसकी वॉशिंग होगी। तो हमारी रानी लग चुकी है, अब इसकी वॉशिंग होगी, उसके बाद हम इसमें DRL फिट करवाएंगे। इसकी वॉशिंग करवा लेते हैं पहले, हमने सोचा तब तक इंजन भी ठंडा हो जाएगा। ये बूफर का साउंड सुनो दोस्तों, इसका साउंड सुनो, क्या बोलते हो, इसको अपन अपनी डिजायर में लगवा दें क्या? पूरा डिजायर हिल जाएगी एक बार, अगर फुल साउंड में बजा देंगे तो पूरी डिजायर हिल जाएगी। सुन लो इसका बेस क्या खतरनाक मार रहा है बेस। इसको अपन अपने डिजायर में लगवा देते हैं, पूरा डिजायर का हमारा कांच वाच सब इधर उधर से हिल जाएगा, तड़क जाएगा, फुल साउंड में बजा देंगे। मगर एक बार अपन इसको ट्राई करेंगे कभी लगा के अपने डिजायर में, इसको बजा के देखेंगे। अपनी गाड़ी अब धुल चुकी है, अब इसके बाद अभी एक गाड़ी लग चुकी है, ये गाड़ी निकलेगी और हमारी गाड़ी लगेगी। हमारी गाड़ी लगने के बाद हमारी गाड़ी में DRL लाइट लगेगा। हमारी गाड़ी धुला चुकी है, अब यहाँ से उतारेंगे और इसको अंदर लगाएंगे और यहाँ पे हमारा DRL लाइट लगेगा। चलिए अब जल्दी हमारा काम हो जाएगा लग रहा है। लग चुकी है अपने जगह पर, यहाँ पर अब इसका काम होगा, इसके DRL लाइट्स लगेंगे, हम आपको दिखाएंगे। अपन एक बार इसको ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसा जलेगा, आप देख लीजिए। ये पहला कलर वाइट, ये हमारा पार्किंग लाइट है। ये यहाँ पे हमारी गाड़ी खुल चुकी है, ये फिटिंग करने के लिए हमको ये हल्का सा सिर्फ ये बोनट खोलना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक के अभी ये लगेगी, अभी इसको आप उसके बाद जला के आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी इसकी DRL मीन्स की स्विफ्ट डिज़ायर में, हम तो फर्स्ट टाइम लगवा रहे हैं। अपन इसको ट्राई कर लेते हैं, अभी तो ये फिट हो गया है, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये हमारा ये फर्स्ट लुक इसका इंडिकेटर का जो जलने का है। एंड इसके बाद हमारी इसमें पार्किंग लाइट भी है, पार्किंग लाइट भी आपको जला के दिखा देते हैं, आप कैसा लग रहा है आप ये बताना हमें। ये पार्किंग लाइट भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसा लगेगा। अभी ये पूरा तरीके से फिट नहीं हुआ है, फिट होने के बाद एक बार और आपको दिखाएंगे। तो हमने इंडिकेटर वाला लाइट दिखा दिया आपको, पार्किंग लाइट भी आप देख लीजिए दोस्तों। ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। इसको अपन एक बार आपको जला के भी दिखाएंगे नाइट में भी, इसको अभी ये दिन में उतना आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट अपन इसको नाइट में भी आपको दिखाएंगे, आप बताना कैसा लगा आपको। अभी से ही जल रहे है क्या, चमक रहे हैं, चमक रहे है भाई, देखना ऊपर से ऐसे वीडियो में देखेगा तो चमक रहा है पूरा। नहीं अभी चमकेगा और ज़्यादा चमकेगा। क्यों, अपने को अपनी गाड़ी पूरा हिला देना है बेस ट्यूब लगा के, इसको जला के देखा लाइट कैसे जलता है। हाँ पूरा टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग का ही वीडियो बन गया है। कैसे बना, क्यों दिखाया तेरे को? ये आ गया है तो ये बोल रहा है एक बार मेरे को ही इसको टेस्ट करके दिखाओगे कि कैसा जल रहा है। तो अपन एक बार इसको भी टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये कैसा जलता है लाइट। हमारे काम आधा ज़्यादा हो ही गया है।
साइट का हमारा काम हो चुका है, DRL लाइट का। अभी इसका तार फिटिंग करना है। दूसरे साइट का काम चल रहा है, दूसरे साइट का काम प्रोसेस में है अभी हमारा। ये भी लग जाएगा, उसके बाद जला के दिखाएंगे क्या झटकास लगी एकदम, कितने कलर में जलते हैं। अभी हमारे गाड़ी में दोनों साइड लग गया है। अब दोनों साइड का एक बार ट्राई करते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी ये इंडिकेटर लाइट जल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सिंगल ऐसे जलते बस नहीं रहेगा, जैसे पार्किंग लाइट जल रहा था वाइट, ऐसे ही जलेगा इंडिकेटर की तरह। तो यहाँ पे अपना काम हो चुका है, DRL लाइट का दोनों जगह लग चुका है। और यहाँ पे अपना ये बम्पर फिट हो रहा है। एक बार जला के बता रहे कैसा जल रहा है, दिखा। यहाँ पे हमारी गाड़ी का काम हो चुका है पूरा। गाड़ी में हमारे DRL लाइट लग चुका है, आप गाड़ी के देख लीजिए सामने से आपको कैसा लग रहा है। और अब हम इसका एक बार चलते हैं, रेट भी पूछ लेते हैं भैया से कि भैया कितना रेट हुआ है इसका हमारा टोटल। नेक्स्ट टाइम हमको और भी काम करवाने हैं। और अगर आपको भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इनके दुकान पर आ सकते हैं, आपको भैया एड्रेस पूरा बता देंगे कहाँ कहाँ दुकान है। तो भैया हमारे चैनल वाले को हेलो कर दीजिए। जो भी गाड़ी आएगी जितने भी, चाहे वो ऐसी भी हो, छोटी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, सब गाड़ी के लिए सबका फिक्स प्राइस है यहाँ पे DRL का। ओके। यहाँ पे हमारा कस्टमर हमारे घर के हो, चाहे हमारा कोई दोस्त हो या फिर हमारा कोई बाहर हो, सबके लिए बराबर रेट रहेगा, कोई इसमें वो नहीं रहेगा। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, जैसे कि अभी हम आए हैं, हम इनके दोस्त हैं, हमारे साथ ही कोई दोस्ती नहीं बता रहे हैं, देख लीजिए आप दोस्तों सुन ही सकते हैं। सबके लिए एक ही रेट रहेगा, सबके लिए एक ही रेट। हमारे लिए भी कोई रेट कम नहीं हुआ है, मतलब आपके लिए भी रेट, फिर भी कुछ थोड़ा, हाँ थोड़ा बहुत मार्केट में दोबारा वो रेट नहीं मिलता है। इनके पास आएंगे तो आपको ये सस्ते में आपको मिलेगा भी, एंड सस्ते में आपको लगा के भी देंगे हमारी गाड़ी में DRL लाइट। तो आप अपना मार्केट में अपना रिव्यू ले लीजिए, हाँ रेट आपको पड़ रहा है, उसके बाद हमसे फिर संपर्क करें। दोस्तों इतनी बड़ी बात बोल दिए हैं, अब इससे समझ ही लीजिए आप। आपको अगर घूमना है तो आप मार्केट घूम के दोबारा इनके यहाँ आ जाइए, इनके यहाँ आने के बाद इनके यहाँ का रेट देख लीजिए और मार्केट का रेट देख लीजिए, आपको भी अलग अंतर पता चल ही जाएगा। तो आप अपने दुकान का एड्रेस बता दीजिए हमारे। मैकेनिकल जोन मुरमुंदा कुम्हारी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, अयवारा रोड की तरफ, दुर्ग छत्तीसगढ़। ओके दोस्तों, अब इसको बाहर निकाल के भी आपको दिखा देते हैं गाड़ी को बाहर से। अभी तो अंधेरा भी हो गया, हम लोग दिन बाहर से रिव्यू लेंगे, बाहर हो चुका है अंधेरा, बाहर हो चुका है, बाहर इसको जला के भी देखेंगे और कैसा लगता है ये। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर और इसको लेके चलते हैं, देखते हैं बाहर से भी आपको दिखाते हैं। बाहर में दोस्तों देख लो हम लोग कब आए थे और अभी टाइम देख लो कितना टाइम हो गया है, और अभी हमारा काम भी हो चुका है। बाहर से आपको भी ये भी दिखा देते हैं क्या लुक दे रही है गाड़ी, आप अपना कमेंट में राय दीजिएगा। गया है अपनी गाड़ी में, DRL फिट हो चुका है जो हम लगवाने के लिए गए थे। बस यही है कि देख लो, अब इधर दिख रहा होगा आपको अंधेरा हो गया है, अपन कब उजाले में गए थे और अभी अंधेरे में आ रहे हैं अपन वापस। तो आप समझ लो कितना टाइम लगा है हमको, बाकी हमारा काम अच्छा हुआ। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जिस दुकान पर मैं गया था, सिंह मैकेनिकल, बहुत ही बढ़िया भाई है, अच्छा भी है और रेट भी सही अच्छा लगाता है, आप उसके पास जाके आप उससे काम करवा सकते हैं। मैं उसका नंबर, दुकान का नाम, नंबर एंड एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तब तक के लिए अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।